हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का 10th क्लास का 2023 का जो इम्पोर्टेंट अध्याय 2 का श्वसन चैप्टर से अभ्यास प्रश्न 40 जो VVI है, एग्जाम से संबंधित वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, भारतीय भवन बुक से उठाया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल, इनमें सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा उत्पादन के लिए होता है? तो इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा किसका उपयोग कोशिका जो है सो ऊर्जा उत्पादन के लिए है, यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए उपयोग करता है, किस ऑप्शन का इनमें से? तो पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है वसा अम्ल, ऑप्शन सी है ग्लूकोस और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट, एक का क्या है, दो का क्या है, तीन का क्या है, आप लोग इकट्ठे कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में लिख सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका कितना इसमें से सही हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोग का अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ग्लूकोस के जो है सो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है, यानी कि पौधा में किस क्रिया के द्वारा, यानी कि किस विधि के द्वारा बाहरी वातावरण से, यानी कि बाहरी बाहर से उस ऑक्सीजन यानी कि हवा को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी कि पेड़ पौधा के अंदर कौन सी क्रिया द्वारा होता है जो ऑक्सीजन जो होता है सो पेड़ पौधा के अंदर पहुँचता है, यानी कि अंदर प्रवेश करता है। मानव में, हम लोग में अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन किसके द्वारा अंदर जाता है? तो नासिका छिद्र से फेफड़ा तक जाता है, वहाँ से ब्लड लेकर हमारा पूरा अंग में पहुँचाता है। तो यहाँ पेड़ पौधा का पूछ रहा है, तो पेड़ पौधा का जो है सो ऑक्सीजन बाहर से किस क्रिया द्वारा यानी कि कौन से विधि द्वारा अंदर प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है विसरण, ऑप्शन बी में है किण्वन, ऑप्शन सी में है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी में है ए तथा बी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विसरण क्रिया द्वारा, यानी कि विसरण विधि द्वारा जो है सो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, तो मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है उपास्थि के बने, यानी कि मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? तो उपास्थि के बने होते हैं या उपास्थि के बने वलय अपूर्ण वलय होते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है क्यूटिकल के बने पूर्ण सॉरी पूर्व वलय होते हैं, ऑप्शन डी में है क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, उपास्थि के बने वलय अपूर्ण वलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, यानी कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जब श्वसन की क्रिया होता है तो उस समय खाद्य पदार्थों का क्या होता है, क्या महत्व होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4th का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए में है संश्लेषण, ऑप्शन ए में है संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए में है संश्लेषण, ऑप्शन बी में है दहन और ऑप्शन सी में है विघटन और ऑप्शन डी में है परिवर्तन। तो 4th का राइट आंसर क्या होगा? तो 4th का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, विघटन जो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव में, या ऑप्शन सी है हरित लवक, या ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। तो फाइव का राइट आंसर क्या होगा? तो फाइव का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिक्स। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य मतलब हम लोग, तो हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है श्वसन, ऑप्शन बी में है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी में है निःश्वसन, और ऑप्शन डी में है निःश्वसन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो होगा राइट आंसर वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और श्वसन तो जिस विधि से होता है उसे श्वसन कहते हैं, निश। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है आणविक आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? यानी कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो ऑप्शन ए में है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है इथेनॉल, ऑप्शन सी है सैट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए ऑप्शन चार में से कौन सा है जो पौधों को, यानी कि जिस, अगर साधारण भाषा में कहे तो आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन। साधारण भाषा में कहे तो आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है जड़, ऑप्शन बी में है रंध्र, ऑप्शन सी में है ताना, और ऑप्शन डी में है टहनी। तो एट का राइट आंसर क्या होगा? तो एट का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, जड़। जड़ जो है सो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर होगा वो रंध्र के द्वारा ना, रंध्र मतलब होता है छिद्र जो पत्तियों में होता है, तो पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान, यानी कि पेड़ में तो छिद्र होता नहीं है, तो रंध्र हमारा कहाँ पाया जाता है? रंध्र मतलब इतना समझ लिया साधारण भाषा में, रंध्र मतलब होता है छिद्र जो हमारा पत्ती होता है, जो हमारा पत्ती होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को रंध्र बोलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार नहीं सही, दो बार सही, तीन बार सही, देखिए आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, इसके कारण हमारा जो आंसर है सो गलत हो जाता है। और जानते हैं आप लोग ओमार शीट पर एक बार टिक कर देने के बाद कोई उपाय नहीं होता है, तो हम एक बार नहीं सही, दो बार सही, तीन बार, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोग को आंसर को टिक करें। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आंसर अपने आप निकल कर आ जाता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि निःश्वास, निःश्वास का मतलब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसको निःश्वास कहते हैं, ठीक है? आज जो सांस लेते हैं उसको निःश्वास कहते हैं। तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, तो सांस जो छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस यानी कि निकलती है, वायु, कौन सी हवा निकलता है, कौन सी एयर निकलता है? ऑप्शन ए में दिया गया है CO2, ऑप्शन बी में है O2, यानी कि CO2 का मतलब समझते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और O2 का मतलब आप लोग का पता होगा, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन दो गो है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है पाइरूवेट, और ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो निःश्वसन द्वारा निकाली गई यानी कि हम लोग के द्वारा छोड़ा गया जो सांस होता है, हवा होता है, उसमें कौन सी गैस मौजूद रहता है, हम लोग क्या चीज़ छोड़ते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, और नहीं पता होगा तो चलिए हम बताते हैं, एक एक कर हम सारी आपको जो कमियां हैं उसको दूर कर देंगे, और अच्छी तरह वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग फोकस डाल पर इस सेशन को देखिएगा, और वीडियो लाइक करें तो अपना, अगर
अब वीडियो आप लोग का पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, CO2। आप लोग को पता ही होगा, अधिकतर स्टूडेंट को पता होगा, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते हैं ऑक्सीजन। हम लोग मुख्यतः तीन गैस लेते हैं, तीन प्रकार के, नाइट्रोजन भी आता है लेकिन नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो नाइट्रोजन जो लेते हैं हम 78% लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% लेते हैं, 0.03% लेते हैं। तो 78 जब हम नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं, तो 78% भी हम रिटर्न कर देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, जिसमें से हमारा शरीर जो है 4% एब्जॉर्ब यानी कि रख लेता है और 17% रिटर्न कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं, लेकिन इसके बदले कुछ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। तो आप लोग का ये होमवर्क रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.03% लेते हैं तो छोड़ते कितना परसेंटेज है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते हुए आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि जीव मतलब होते हैं हम लोग, गाय भैंस कुत्ता बिलाई, यानी कि जो जीवित हैं वो जीवों के शरीर में जो ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा मतलब समझिए इतना एनर्जी, जिसको एनर्जी बोलते हैं या ताकत, वो ताकत का जो उत्पादन होता है किस क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि कौन सा विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में है जनन, ऑप्शन बी में है नियंत्रण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है श्वसन। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, श्वसन के कारण। हम लोग ऐसे समझिए क्वेश्चन को एकदम इजीली वे में समझना है, श्वसन के द्वारा कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मान लीजिए, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है 10th, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो जीवों के शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए में है जनन, ऑप्शन बी में है नियंत्रण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर तो बता दिए हैं, डी होगा इसका राइट आंसर। तो समझते हैं कि ऊर्जा का जो उत्पादन हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि ताकत का जो उत्पादन होता है वो श्वसन के द्वारा कैसे होता है। मान लीजिए किसी भीड़ भाड़ इलाका में, धूपा में, कड़ी धूपा में हम लोग खड़े हैं, वहाँ जो हमारा जितना शरीर का श्वसन का यानी कि ऑक्सीजन का जितना हमको आवश्यकता होता है उतना नहीं मिलने के कारण देखते हैं, तो कहीं कहीं पंक्ति में ही, चाहे कहीं भीड़ भाड़ इलाका में ही, कितना लोग यानी कि बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग जो हैं सो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन आवश्यकता अनुसार नहीं मिलने के कारण श्वसन लेवल यानी कि ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और वहाँ ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, जिससे एनर्जी हमारा लेस देन में चला जाता है, जिसका एनर्जी हमको कम महसूस होने लगता है और धीरे धीरे जो है सो हमारा बेहोशी की ओर चले जाते हैं और वहीं पर कुछ लोग है सो गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो श्वसन। आप लोग समझ चुके होंगे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि एकदम इजीली वे में, इजी से इजी आसान तरीका में समझाने का, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से फोकस डाल के समझने। तो आप लोग इधर से चलते हैं, हम इधर से समझाने के लिए जाएं, एक एक समय आएगा कि आप लोग का भी प्रयास रहेगा, मेरा भी प्रयास रहेगा, तो हम दोनों गोटा, एक ऐसा समय आएगा जो दोनों टीक का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो दूरी खत्म हो जाएगा और आपको भी समझ में आए मेरे भी, तो दोनों गोटा का प्रयास रहेगा, हम लोग का प्रयास रहेगा कि आपको जोर डाल के कोशिश करना है समझने का, और मेरा प्रयास रहेगा बेहतर से बेहतर एकदम इजीली वे में समझाने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पचे हुए भोज्य पदार्थ, पचे मतलब पचा हुआ, जो हमारा भोजन है वो हम खाना खाए हैं वो पचा हुआ भोजन पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं को क्या कहता है, यानी कि क्या होता है, यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है, भोजन अणुओं का क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है दहन होता है, या ऑक्सीकरण होता है, या ऑप्शन सी है परिवर्तन होता है, या समन्वय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो
ऑक्सीकरण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? समस्त रासायनिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है हरित लवक, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है एटीपी। अरे ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है एटीपी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो एटीपी होगा। तो एटीपी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो एटीपी, एटीपी यानी कि ए टी पी। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? श्वसन क्रिया के उपरांत यानी कि क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से यानी कि ऑप्शन चार को दिया गया है, इनमें से कौन सा है जो श्वसन क्रिया की यानी कि श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो उसके समय कौन सा बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन या H2O एवं ऊर्जा बनता है, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी जल एवं ऊर्जा बनता है, ऑप्शन डी में है O2 यानी ऑक्सीजन एवं H2O यानी कि जल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी एवं ऊर्जा भी। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस समय जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नासिक छिद्र के माध्यम से यानी बाहर निकल जाता है। जल H2O जो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो H2O जल जो है जो पूर्तिकर्ता के रूप में हमारे शरीर में फैल जाता है, पानी और ऊर्जा, ऊर्जा जो हमें एनर्जी देता है। तो ये दो चीज, तीन चीज श्वसन क्रिया के उपरांत यानी कि श्वसन क्रिया के समय बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाता है, और दो चीज अंदर आ जाता है। एक है ऊर्जा जो हमें ताकत देता है और दूसरा है H2 यानी कि जल जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार पानी जो है सो भरपूर मात्रा में उसकी पूर्ति करता है। तो आप लोग बताएंगे, चल हम ही बता देते हैं, शरीर में 1% पानी कमने के बाद हमें प्यास की आवश्यकता होती है यानी कि प्यास हमें पता चलता है। हमारे शरीर में 1% की जब पानी की कमी होता है तो हमें प्यास लगने लगता है, और 10% पानी शरीर में कम जाने के बाद आदमी को मृत्यु हो जाता है। तो 10% पानी कब कम होगा? तो सोचते होंगे जब प्यास इतना लगेगा तो 10% नहीं, 1% जब पानी कम होता है तो आदमी को प्यास अधिक जोर से लगता है। 10% पानी तभी कम होता है जब आदमी को जो तबीयत है वो खराब होता है, जैसे कि उल्टी कै दस्त हो रहा हो, तो उस समय शरीर से पानी अधिक मात्रा में निकल जाता है। उस समय हमारा देखते होंगे कि आदमी का अस्त व्यस्त हो जाता है एकदम। तो उस समय 10% पानी की आवश्यकता जो है सो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 10% पानी हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो 10% पानी की कमी होने के कारण आदमी का मृत्यु हो सकता है, हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। 14 है, ग्लूकोस कितने कार्बन से बना अणु होता है? ग्लूकोस जो है C6H12O6 का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 यानी कि कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन O6 है ना, तो ऑक्सीजन भी 6 गो, कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 और हाइड्रोजन अकेले 12। तो ग्लूकोस कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 3 यानी कि 3, ऑप्शन बी में है 6 यानी कि 6, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा 6। और कार्बन का संकेत क्या होता है? तो कार्बन का संकेत सी होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15।
किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है, यानी कि किस क्रिया द्वारा, किस विधि द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी ए में है वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी में है किण्वन और ऑप्शन डी में है संगलन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ए होगा, अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब उपस्थित मतलब होता है प्रेजेंट, और अनुपस्थित मतलब वहाँ पर विद्यमान नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित है, वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं है। तो अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहने के बाद जो पाइरूवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है विखंडन, ऑप्शन बी में है दहन, ऑप्शन सी में है विश्लेषण और ऑप्शन डी में है किण्वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो किण्वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें किण्वन क्रिया होती है, तो निम्नलिखित में से किसमें किण्वन क्रिया होती है, तो पेशी कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन बी ईस्ट में होता है, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या ऑप्शन डी सभी जीवों में होता है। तो किण्वन क्रिया जो होता है सो किस में होता है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यानी कि 17 का जो राइट आंसर होगा वो ईस्ट में होता है किण्वन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से, बहुत ज़्यादा या दौड़ने या चलने से हमारे मांसपेशियों में क्रैप या तकलीफ होती है, यानी कि दर्द सा महसूस होने लगता है, तो क्यों होता है। इथेनॉल के संचयन से, संचयन मतलब होता है इकट्ठा एब्जॉर्ब, ठीक है, इथेनॉल के संचयन से, बी CO2 के संचयन से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के इकट्ठा होने से, ऑप्शन सी में ऊर्जा की कमी होने से, या ऑप्शन डी में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो आप लोग मार चुके होंगे, इजी है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं कि करके और डिफाइन करते हैं अच्छी तरह से, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आप वीडियो से संबंधित किसी भी इन्फॉर्म चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं फ्री में, तो फ्री में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से अपना PDF ले सकते हैं फ्री में। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हम अपना इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अधिक मात्रा में है सो लैक्टिक अम्ल यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाने के कारण हमारा शरीर में जो पैर या चाहे जहाँ भी लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, वहाँ दर्द करने लगता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल के संचयन से इकट्ठा हो जाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 19, पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पेशी कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या ऑप्शन डी ईस्ट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में, क्वेश्चन समझिए, दो बार तीन बार पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िएगा, और PDF लेकर एक बार नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को आप एक बार दो बार तीन बार मतलब कुछ समय के अंतराल पर यानी कि 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर आप वीडियो को देखते रहिएगा, इसे जितना पढ़ते हैं उसको रिवीजन करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि पीछे पढ़ते जाएं अगला नया चीज़ देखते जाएं, पिछला का भी रिवीजन करते जाइएगा देखते जाइएगा, इसे याद रहता है कंटिन्यूस। मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे एक बार, अगर उसकी
कुछ दिन बाद या बहुत दिन के बाद अगर देखते हैं तो कन्फ्यूज आ जाते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को हम कहीं देखे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ देखे हैं। अगर उसको हम बार बार टच में रहते हैं, बार बार हमारे नजरे के सामने आता जाता रहता है तो याद रहता है। तो उसी तरह वीडियो को 2-3 दिन बाद कर रिवीजन के तौर पर देखते रहिएगा, इससे आपको रिवीजन होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? टोटल क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजन जो है सो युक्त वायुमंडल से, वायु यानी कि हवा, ऑक्सीजन युक्त जो है हवा वो वायुमंडल से यानी कि हमारे पूरा ब्रह्मांड से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है? यानी कि पूछ रहा है कि पौधों में यानी कि प्लांट में किस अंग यानी कि पौधा के कौन से भाग के द्वारा अंदर जाता है, प्रविष्ट मतलब अंदर प्रवेश करता है, पत्तियों द्वारा। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं पत्तियों द्वारा, तो कुछ थोड़ा सा डीपली लेके चला गया है ऑप्शन को, तो कोई बात नहीं हम उसको भी डिफाइन करेंगे इजिली वे में। रंध्र द्वारा, वात रंध्र द्वारा, ऑप्शन सी है अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा, ऑप्शन डी है इन सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहले आंसर क्या होगा ये हम लोग टिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, इन सभी के द्वारा। रंध्र होता है कहाँ? पत्तियों में। मान लीजिए यह पत्ती है मेरा, यह पत्ती है, इसमें छोटा छोटा सा छिद्र होता है, इसी को रंध्र बोलते हैं, यानी कि छिद्र को जो है तो रंध्र बोलते हैं। पत्ती के जो पत्ती में जो छिद्र होता है उसे रंध्र बोलते हैं। वात रंध्र द्वारा, देखिए सभी में रंध्र है, और अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा ये इसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ वायु जो है, हवा जो है, तो वायुमंडल से पौधों में प्रविष्ट करता है इन सभी अंगों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 21। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, यानी कि पौधे जो है सो सांस किस अंग से लेता है? ऑप्शन ए में है जड़ से लेता है यानी कि रूट से, ऑप्शन बी है तना से यानी कि इंग्लिश में इसे स्टेम बोलते हैं, ऑप्शन सी है पत्तियों में यानी कि लीफ, या ऑप्शन डी है प्रत्येक भाग में यानी कि ऑल पार्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, प्रत्येक भाग में जो पौधे में जो श्वसन होता है वो तना द्वारा भी होता है, जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, यानी कि प्रत्येक बार इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, यानी कि जंतु यानी कि एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट का कंपेयर करता है। तो जंतु और पौधों में श्वसन की गति कैसा होता है? धीमा होता है यानी कि जंतु का तेज होता है या पौधा का तेज होता है? तो इसका कंपेयर करके पूछ रहा है कि किसका तेज होता है श्वसन की गति यानी कि सांस लेने की गति। तो ऑप्शन ए में है धीमी तीव्री यानी कि तीव्र, या ऑप्शन सी में है कभी धीमा कभी तीव्र यानी कि कभी तेज तो कभी धीमा, और ऑप्शन डी में है दिल, इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, यानी कि जंतु से तुलना करते हुए पूछ रहा है पौधों के बारे में, हमसे पौधे के बारे में पूछ रहा है यानी कि प्लांट के बारे में, प्लांट के बारे में पूछ रहा है जो जंतुओं की अपेक्षा यानी कि जंतु से पौधा जो है सो धीमी गति से श्वसन करता है या तीव्र गति से या कभी धीमा कभी तेज करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, धीमा होता है जंतुओं की मामले में श्वसन की गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। टिड्डा, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है, यानी कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में जो होता है श्वसन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है ट्रैकिया द्वारा, ऑप्शन बी में है गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी में है फेफड़े द्वारा, ऑप्शन डी में है कोशिका झिल्ली द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सो सही है, 23 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रैकिया द्वारा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस जंतु में श्वसन गैसों जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी कि लेन देन रक्त और जल के बीच विसरण की द्वारा होता है? किस जंतु में
श्वसन गैसों, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी कि लेन देन अदला बदली रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में अमीबा में, या ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। मछली में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान जो होता है वो रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। तो ऑप्शन ऑप्शनल के अनुसार यानी कि ऑप्शन के अनुसार हम मारेंगे टिक। तो निम्नांकित में किस जंतु में फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है यानी कि फेफड़े द्वारा सांस लिया जाता है। तो कोई ऑप्शन ए में है झींगा में, ऑप्शन बी है सीप में, सीप मत देखिए यहाँ पर सीप लिखा है, ऑप्शन सी में है कछुआ में, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से वह जंतु है जिसमें श्वसन जो होता है सो फेफड़े द्वारा होता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कछुआ में। कछुआ में है जो श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, तो यानी कि कछुआ में फेफड़ा पाया जाता है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी यानी कि कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। 26 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य में नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है। यानी कि मनुष्य में नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग यानी कि अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग जिसे शीर्ष भी बोलते हैं, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में है घ्राणक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है घ्राण या प्रकोष्ठ, ऑप्शन सी में है श्वसन क्षेत्र, ऑप्शन डी में है नासापट्टिका। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27। निम्नांकित में कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। निम्नांकित में कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। ऑप्शन ए है श्वास नली, ऑप्शन बी है श्वसनी, ऑप्शन सी है श्वसनिका, और ऑप्शन डी है वायुकोष्ठिका वाहिनिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, वायुकोष्ठिका वाहिनिया है जो सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28। 28 है मानव शरीर के कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। मानव शरीर की कौन सी रचना है, मानव शरीर के कौन से ऐसे अंग है अंदर जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। ऑप्शन ए है डायाफ्राम, ऑप्शन बी है पसलियां, ऑप्शन सी है प्लूरल मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी है पैराइटल मेम्ब्रेन। 28 का जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, तो डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है सो मनुष्य की वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है श्वसन के दौरान यानी कि सांस लेने के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां समुचित यानी संकुचित, संकुचित मतलब सिकुड़ जाती है। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां सिकुड़ जाती है यानी कि संकुचित हो जाती है, तो ऑप्शन ए है वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो पेशियां संकुचित हो जाती है, तो वक्ष गुहा जो है वो भी सिकुड़ जाता है, या वक्ष गुहा जो है सो फैल जाता है, या ऑप्शन सी में फेफड़े से बाहर निकल जाती है, ऑप्शन डी में है इनमें कुछ नहीं होता है। तो 20 क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी, जब सांस पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तो यह जो है वक्ष गुहा सो फैल जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है सीढ़िए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल हवा की अपेक्षा बहुत कम ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है सीढ़िए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जो है सो वायुमंडल हवा की अपेक्षा यानी कि वायुमंडल की हवा से तुलना कर रहा है। तो ऑप्शन ए में है बहुत कम होती है, या ऑप्शन बी है बहुत ज़्यादा होती है, या ऑप्शन सी है समान होती है यानी कि इक्वल यानी कि बराबर होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है
एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामिशियम में, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामिशियम से या पैरामिशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा है? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ देख लीजिए, दो को आंसर यहीं पे, अमीबा या पैरामिशियम। अमीबा पैरामिशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी कि अमीबा पैरामिशियम में पूछता है कि गैसों का जो लेन देन होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है, अंदर जाता है और बाहर निकलता है, वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, ऑप्शन बी में रक्त के माध्यम से यानी कि ब्लड, उसको खून भी बोलते हैं, और गील पर पटलिकाओं के द्वारा, और ऑप्शन डी है फेफड़े द्वारा। तो एक बात यहाँ बता देते हैं, हर वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि हम जितना बात बोलते हैं उसमें अपने आप में सभी जो है से एक दूसरे का आंसर, रक्त यानी कि रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो पूछ देता है जो रक्त क्या है इनमें से, तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है ये। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा है, जो अमीबा पैरामिशिया में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अनजान आवागमन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? यानी कि ऑप्शन चार को दिया गया है, इनमें से निम्नलिखित में से श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? तो ऑप्शन ए में है रक्त से भरी होती है, ऑप्शन बी है शाखित तथा वायु से भरी होती है, ऑप्शन सी में शाखित तथा रक्त से भरी होती है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, शाखित तथा वायु से भरी होती है, शाखित तथा वायु से श्वास नली या ट्रेकिया भरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 33। 33 है, निम्नांकित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि ऑप्शन चार को दिया गया है, इनमें से कौन है जो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि हम लोग का श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि श्वसन यानी कि सांस लेने का पार्ट पुर्जा नहीं है इनमें से, ऐसे समझिए। ऑप्शन ए में है नासिका छिद्र, ऑप्शन बी में है श्वास नली, ऑप्शन सी में है गिल्स, ऑप्शन डी में है रक्त। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो गिल्स है। तो गिल्स किस में पाया जाता है? तो किसका श्वसन तंत्र है? तो गिल्स जो है सो मछली का है। मछली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 34। 34 मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? मनुष्य में बाह्य नासिका जो छिद्र होता है वो भीतर कहाँ सीधे खुलते हैं? ऑप्शन ए में नासिका विषुवत। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को समझते हैं। मनुष्य में जो बाह्य नासिका, यानी कि बाह्य मतलब होता है बाहर नासिका छिद्र, बाहर नासिका छिद्र यानी कि नाक का जो छिद्र होता है वो भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? यानी कि अंदर की पूछ रहा है, बाहर तो हमारा नाक का छिद्र है से पता चला है, लेकिन अंदर हमका पूछ रहा है अंदर जो कहाँ खुलता है। तो ऑप्शन ए में है नासिका वेश्मों में, ऑप्शन बी में है प्राघान या प्राकोष्ठ में, ऑप्शन सी में है ग्रसनी में, या ऑप्शन डी है स्वर यंत्र या लैरिंग्स में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो नासिका वेश्म। 34 का राइट आंसर क्या होगा? नासिका वेश्म। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों यानी कि निम्न मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है। मनुष्य में कुछ स्तनधारी यानी कि निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा, यानी कि छोटा स्तनधारी जो होता है जो अपने बच्चा को दूध पिलाता है उसी को स्तनधारी बोलते हैं। तो मनुष्य और स्तनधारी को कंपेयर यानी कि तुलना करता है, तो कहता है आदमी जो है जो मन ये छोटा स्तनधारियों के मामले में सूंघने की क्षमता कम होती है। क्यों? यानी कि वो सब सूंघ लेता है, कोई भी चीज़ को भाप लेता है जल्दी, और हम लोग नहीं। तो इसका ऑप्शन ए में है, नासिक वेश्मों की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। नासिक वेश्मों की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, इसके कारण ऑप्शन बी में दिया हुआ है, दोनों नासिका आवेशम यानी कि वेशम नासा पत्रिकाओं के द्वारा एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग होते हैं, इसके कारण ऑप्शन सी में है घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होते हैं इसके कारण, या ऑप्शन डी है घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है इसके कारण।
तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। घनान क्षेत्र जो है उसको अत्यधिक छोटा होने के कारण हम लोग किसी चीज़ को जल्दी भाप नहीं सकते हैं, सूंघने की क्षमता है सो हम लोग में कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36, 36 है, नासिक रेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है वो क्या कहलाती है? नासिक रेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रघान, ऑप्शन बी है कांची, ऑप्शन सी है नासापटिका और ऑप्शन डी है श्वास नली। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, कांची। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो कांची होगा इधर राइट आंसर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? यानी कि हम लोग में ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो कितना होता है? ऑप्शन ए दिया गया है 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में इकट्ठे लिखिएगा, और आप लोग का एक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, और अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूले, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और बेल आइकन को यानी कि नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। चलिए तो 37 क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में जो ट्रैके की लंबाई वो लगभग कितनी है, यानी हम लोग में ट्रैके की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए में है 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 35 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 11 सेंटीमीटर मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई होती है लगभग में, एक्यूरेट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्वसन एक किस प्रकार की क्रिया है? यानी कि श्वसन जो है सो एक किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए में है उपचय, ऑप्शन बी में अपचय, ऑप्शन सी में है इनमें दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, श्वसन जो है तो एक प्रकार की उपचयी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39, 39 मछली की गिल्स एक चपटी थैली में होती है। मनुष्य का गिल्स जो होता है एक चपटी थैली में होती है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए मछली है, यह मछली है, तो मछली का जो यहाँ से होता है और इसमें जो रेड कलर का होता है वो गिल्स, चलिए एक बार और बना देते हैं, मान लीजिए ये मछली है, सपोज मान लीजिए ये मछली है, मछली के यहाँ जो गिल्स होता है यहाँ रेड कलर का वो एक चपटी थैली के सामान के अंदर होता है, तो उसे पूछ रहा है जो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है गिल कोष्ठक कहते हैं इसको, जो ऊपर से जो ढक्कन टाइप का रहता है चपटी, ऐसे ऐसे रहता है ढका हुआ और इसमें रेड कलर का अंदर से रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? गिल कोष्ठक कहते हैं। ऑप्शन बी में है गिल्स कहते हैं, ऑप्शन सी में है फेफड़ा कहते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, गिल कोष्ठक कहते हैं जो मछली के ऊपर से जो ऐसे रहता है उसको गिल कोष्ठक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और आगे भी लेकर आएंगे, और अन्य बायोलॉजी का ऐसे ऑल चैप्टर करेंगे, उसके बाद भी फिजिक्स केमिस्ट्री लाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20-40 है, और इस वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं,
और अपना लिंक फ्री में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य का दायां और बायां नासिक के बेस में किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं? हमारा जो नोज है, हमारा जो नोज है वो किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि पृथक मतलब होता है अलग। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो मनुष्य का जो होता है दायां और बायां नासिक वेश में किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक, पृथक मतलब होता है अलग, किसके द्वारा अलग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो नासिक पट्टिका के द्वारा मनुष्य का दायां और बायां नासिक वेश में जो है सो अलग होता है, यानी कि पृथक होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने स्टेटस में लगाइए। और PDF आप लोग को फ्री में मिल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप लोग को सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।